तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो तुमको पता है कि अभी सीजन चेंज हो चुका है और मैं प्लेटिनम पे आ गया हूँ। मेरे 3 स्टार लगे थे हीरो के, मैं प्लेटिनम पे आ चुका हूँ। हाँ, इस बार पता नहीं, ग्रैंड मास्टर का तो मुझे पता नहीं, मगर मास्टर पक्का कर लूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक मैच। ये मेरा पहला मैच है और मैं सामने जा रहा हूँ तो कोई एक मुझे बंदा दिखता है, मैं डैमेज देता हूँ उसको और उधर जाके ये भूकंप बन जाता है। मैं बॉडी बॉडी भर के इसको मार देता हूँ। बॉडी बॉडी भरने के बाद यहाँ पर मैं लूट करता हूँ इसकी पूरी, और लूट करने के बाद यहाँ पर मुझे बंदों का फूड स्टेप आता है और पीछे 2 बंदे लड़ रहे होते हैं, तो मैं देखता हूँ कि कहीं से आ ना जाए। तो यहाँ पर देखो एक रेड क्रिमिनल आ जाता है, मैं रेड क्रिमिनल को डैमेज देता हूँ, पीछे से मुझे एक बंदा मार देता है। मैं जैसे तैसे करके ये 5 सेकंड बाद रिवाइव हो जाता हूँ, और रिवाइव होने के बाद मैं वहीं पर उतर रहा हूँ जहाँ पर वो बंदे हैं। देखो वहाँ पर एक बंदे लड़ रहे थे, वहीं पर जाने वाला हूँ, तो वहीं से मैं उसको मार देता हूँ। ठीक है, इसी के साथ मेरे 2 किल हो जाते हैं। अभी मेरे को लूट भी करनी थी, इसलिए मैं वहीं जाता हूँ उसके पेटी के पास। पहले यहाँ पर लूट कर लेता हूँ। ट्रोगन है, ट्रोगन उठा ली। मेरे को ट्रोगन नहीं चलानी, एक लॉन्ग रेंज के लिए गन भी ले लेता हूँ, फिर जोन छोड़ दी, ट्रोगन चला रहा हूँ। मैं इसकी पेटी को लूट लेता हूँ। जैसे मैं पेटी को लूट ही रहा होता हूँ, देखो रेड क्रिमिनल गिर जाते हैं ऊपर से आके, रेड क्रिमिनल मेरे को मार देता है। इसके बाद दूसरे मैच में बंदे सामने ही लड़ रहे होते हैं, तो मैं वहाँ जाता हूँ और एक बंदे को हेडशॉट मारता हूँ। हेडशॉट के बाद वो बंदा डाउन हो जाता है। उसके पास इंजेक्शन होता है, मैं सोलो खेल रहा था, इंजेक्शन होता है, वो रिवाइव करने की कोशिश करता है, मैं मार देता हूँ, फुल किल हो जाता है। जैसे ही मैं सोचता हूँ कि इसके पास जाऊँ, पर ये मेरे को कैसे भी करके देख लेता है, पर मेरी पेटी पड़ी होती है, मैं पेटी में लूटने लगता हूँ और ये बंदा मेरे को देख के डैमेज देता है। अभी डैमेज देता है, मेरी थोड़ी HP बचती है, मैं फिर मेडिकेट कर लेता हूँ, सुपर मेडिकेट करने के बाद भाई कोई देख रहा है, मेरे को देखने दो। अभी मैं जल्दी से यहाँ पर लॉन्च पैड लगाता हूँ, और लॉन्च पैड लगाने के बाद मैं उसी के पास में कूद जाता हूँ, पास वाली छत पे कूदने के बाद मैं देखता हूँ कि ये कहीं पर छत पे तो नहीं है बंदा, मगर ये छत पे ही था, ये बंदा छत पे ही था। छत पे होने के बाद भी ये मेरे को नहीं दिख रहा था। फिर मैं यहाँ से घूम घाम के जाता हूँ और ढूंढता हूँ कहाँ पर है। फिर मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ इस दीवार के कवर में, और यहाँ से कौन कूद रहा है देखना, अभी कौन कूदेगा, रेड क्रिमिनल। मैं ये मेरे को डैमेज देता है, मैं इसको बॉडी बॉडी भरने के बाद हेडशॉट से ख़त्म कर देता हूँ। देखो मेरी HP सिर्फ 4 की बेचन दी थी इसने। मैं यहाँ पर आता हूँ और एक ग्लू बॉल डाल के जल्दी से पूरा लेता हूँ। HP फुल होने के बाद यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर देखो मिल पर एक बंदा है, यहाँ पर मैं इसको हेडशॉट मारता हूँ 112 का, और ये ग्लूबल से पैक हो जाता है। इसके बाद ये अपनी HP फुल कर रहा होता है, और ये जोन के चक्कर में जैसे ही लपेट में आता है बाहर निकलता है जोन से, मैं तुरंत स्कोप लगा के इसको ख़त्म कर देता हूँ। इसी के साथ हमारे 3 किल हो चुके हैं। फिर मैं लॉन्च पे लगाता हूँ, यहाँ पर कूद जाता हूँ, नीचे जाता हूँ, और यहाँ पर लास्ट जोन बन जाता है। और लास्ट जोन में देखो सभी मेरे को ही मार रहे हैं, सभी बंदे सिर्फ मेरे को ही मार रहे होते हैं, और कोई तो इनको दिख ही नहीं रहा था। मेरे पास एक ग्लू बॉल था, वो भी मैंने यूज़ कर लिया, और इसके बाद मेरा हाल क्या ही होने वाला है पता नहीं, तुमको देखना पड़ेगा। देखो ये भी लॉन्च पैड लगा के भग गया। अभी मैं बचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि परमानेंट कवर चाहिए मेरे को, इसलिए पेड़ की आड़ में आ जाता हूँ। आ जाने के बाद ये बगल में जो बंदा है वो मेरे को मार देता है। फिर भी मैं दोबारा रिवाइव होने की कोशिश करता हूँ, उससे पहले ये मैच ख़त्म। तो तीसरा मैच स्टार्ट कर दिया, और उस वाले मैच में मैं स्क्वाड के साथ आया था। देखो लेफ्ट साइड में बंदा था, मैं सामने सीधे चला जाता हूँ क्लॉक टावर पे, और ये देखो बंदे को तुरंत हेडशॉट मार देता हूँ। ये तुक्का था भाई, बुरा मत मानियो, और जल्दी से इसे फुल किल कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर इसका एक टीममेट आता है, इसको भी हेडशॉट भर देता हूँ। पता नहीं मैं इतना प्रो क्यों हो गया था इस मैच में, मेरे को भी नहीं पता। और मेरे टीममेट तो भाई खुश हो रहे थे, देख रहे हो ना, 2 नंबर ने लाइक भी दिया था। अभी मेरे पास 600 टोकन थे, मैं और टोकन को जुगाड़ करने के लिए इसके फ्रेंड की पेटी लूटने के लिए जाता हूँ, पर इसके पेटी में कुछ नहीं मिलता। फिर भी मेरा 4 नंबर
रिवाइव कर देता है एक नंबर को और मैं सोचता हूँ कि दो नंबर को मैं रिवाइव कर दूँ। तब तक चांद नंबर को पढ़ने लगती है और डाउन हो जाता है। मैं तुरंत भाग के जाता हूँ और तीसरे बंदे को भी मार देता हूँ, डाउन कर देता हूँ। फिर अपने चार नंबर को रिवाइव करता हूँ और इसको अपना तुरंत तीसरा किल कंफर्म कर लेता हूँ। फिर मैं दो नंबर को रिवाइव करने जाता हूँ, रिवाइव करने के बाद जल्दी से रिवाइव कर देता हूँ। और इसी के साथ मैं वहाँ का साफ करके यहाँ पर फैक्ट्री पे आ जाता हूँ। फैक्ट्री पे यहाँ पर एक बंदा होता है जिसे मैं अपना टीममेट समझ के नहीं मारता हूँ। बाद में मेरे को पता चलता है ये अपना टीममेट नहीं है तो मैं इसको डाउन कर देता हूँ। जैसे ही डाउन करता हूँ मेरा दो नंबर इसको पैक कर लेता है। मेरे को लगता है किल चोरी ना कर ले, पर हाँ इसने किल कर दिया था। अभी यहाँ पर जैसे ही मैं इसको लूटने वाला था, देखो यहाँ पर मैं क्या ही बकवास करने लगा। मैं इसको तोड़ना ज़रूरी नहीं था, इसके पेटी को लूटा। साला लुटेरा दो नंबर साला पूरा लूट के ले गया, कुछ नहीं बचा। उसके बाद मैं क्या ही कर सकता था। एक बंदा और है यहाँ पर तो मैं इसको भी जल्दी सिर्फ 18 का डैमेज देता हूँ और डाउन हो जाता है। दो नंबर सोचता है बहुत बड़ा किलचोर है साला, अगर हाँ किलचोर नहीं है। इसी के साथ हमारे 5 किल हो जाते हैं। भी फैक्ट्री पर भी एक बंदा और है और पता नहीं कहाँ है। अभी जिस सामने हम चले जाते हैं क्योंकि मेरा किल एक यहीं पर निकला था, एक किल मेरा यहीं पर निकला था। देखो यहाँ पर ब्लू जोन में येलो जोन में भी एक दिख रहा है बंदा, मगर वो पीछे है। यहाँ पर भी एक बंदे का फुट स्टेप मतलब बंदा दिख रहा था मेरे को, पर पता नहीं कहाँ है, शायद यहीं पर छुपा है। और जैसे ही देखते हो ये बंदा यहाँ पर छुपा ही होता है। मेरी HP बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है, फिर भी मैं इसको कैसे भी करके मारने का कोशिश करता हूँ। तब तक दो नंबर आ जाता है और दो नंबर किल चोरी कर लेता है। देखो एक किल मैंने चोरी किया, एक किल उसने चोरी किया, बात बराबर हो जाती है इसी के साथ। यहाँ पर मैं पेटी लूटता हूँ, दो चार नंबर तब तक आता है और मैं अपनी मेरी फुल करता हूँ। तब तक मेरी फुल करने के बाद ही बताऊँगा कि क्या करता हूँ। फिर एक मेडिकेट और मारूँगा। एक मेडिकेट मारने के बाद मैं जोन से बाहर निकलने के बारे में सोचता हूँ, पर यहाँ पर एक बंदा होता है देखो सामने ग्लूबल के पास। मैं इसको हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ और उसके बाद पूरा फिनिश। इसी के साथ मेरे 6 किल हो जाते हैं। इसी के साथ लाइक मार देना। और लास्ट में मेरा सिर्फ एक चार नंबर बचता है और वो भी मर जाता है। इसी के साथ मैच हार जाती है ये वाला। पिछले मैच में मैं डुओ खेल रहा होता हूँ अपने पड़ोसी अनुराग के साथ, और अनुराग के साथ खेलते ही मेरे को क्या मिलता है देखो। यहाँ पर मैंने दो गन लूट ली, यहाँ पर साथ ही मेरा पहला हेडशॉट के साथ डाउन हो जाता है बंदा। मैं डाउन कर देता हूँ और तुरंत उसको मारने जाता हूँ तो क्या होता है देखो, उसको तो किल कर ही देता हूँ, उसके साथ एक बोनस भी मिल जाता है, वो बंदा भी डाउन हो जाता है। और मैं इसके पेटी जैसे लूट ही रहा होता हूँ कि देखो पीछे मेरे एक बंदा है, मैंने सही से ध्यान नहीं दिया और तब तक वो मेरे को डाउन करके मार देता है। फिर मेरे को रिवाइव करता है, मैं वहीं पर आके लूटने लगता हूँ। लूटने के बाद यहाँ पर भी एक बंदा मिला था मेरे को जिसको मैंने मारा था। देखो सामने एक बंदा है जो ये मेरी बहुत ज़्यादा HP खा लेता है, और ये पता नहीं गुड्डा सा क्या बना देता है कैरेक्टर स्किल जिसके ग्लूवर के आसपास मारते हैं। मैं इसको रश करके मार देता हूँ, साथ में मैं भी डाउन हो जाता हूँ। पर कोई बात नहीं, मेरा नेट प्रॉब्लम था। उसके बाद अनुराग आके तुरंत ही मेरे को दोबारा से रिवाइव कर देता है। मैं सोच रहा होगा कि मेरे को क्यों नहीं मारने दिया। उसके बाद वहाँ का चक्का साफ करने के बाद मैं आ जाता हूँ फैक्ट्री पे, और फैक्ट्री पे देखो यहाँ पर मेरे को बंदा मार रहा होता है। मैं MP40 पूरी भर देता हूँ और इसी के साथ ये मेरा तीसरा किल हो जाता है। मैं इसको लूटने के बाद क्या करूँ, अभी लूटा ही कहाँ है मैंने, सॉरी। अभी इसको लूट लेता हूँ, कुछ ज़्यादा तो मिला नहीं, एक एक पाई खा जाऊँगा इसके पेटी की। फिर मैं यहाँ पर जाता हूँ, सामने देखो कि लॉन्च पैड है। सामने तुमको नहीं दिख रहा होगा, मेरे को दिख रहा है सामने एक लॉन्च पैड है। मैं एक मेडिकेट कर लेता हूँ, फिर उसके पास सोचता हूँ कि लॉन्च पैड जहाँ भी गया मैं लॉन्च पैड से वहीं पर जाऊँगा। और लॉन्च पैड कहाँ लगा होता है, फैक्ट्री के छत के ऊपर, वहाँ पर एक बंदा होता है। मैं जल्दी से ग्लूवल लगाता हूँ, मगर इसके पास टाइम था, ये मेरे को मार सकता था। मैंने इस बंदे को डैमेज दिया और इसके ऊपर रश कर देता हूँ, पर ये इसकी किस्मत फूटी जो मेरे से मिला। इसी के साथ हमारे 5 किल हो जाते हैं इस वाले मैच में और बंदा फिनिश। फिर मैं वहाँ से क्लॉक टावर पर आ जाता हूँ और सेकेंड लास्ट जोन बना होता है।
सामने देखो हमारा अनुराग भाई डाउन हो जाता है, मैं तुरंत जाके उसको जिसने मारा उसको मारता हूँ और पूरा फिनिश करता हूँ। इसके साथ मेरे 6 किल हो जाते हैं। पूरी पेटी लूटने के बाद मैं अनुराग को दोबारा से रिवाइव कर देता हूँ क्योंकि ज़रूरी है भाई, एक टीममेट तो होना ज़रूरी है। रिवाइव करने के बाद मैं बाहर निकलता हूँ यहाँ से और बेड तक करता हूँ कि बंदे जल्दी से आए और मेरे से आके मरे, मगर आ तो रहे नहीं कोई। थोड़ी देर वेट करता रहता हूँ, करता ही रहता हूँ, कितनी देर और वेट करूँगा। और निकल भी बाहर, चल भी चल, अभी मेरा सबर का बार टूट गया और मैं यहाँ पर जाता हूँ। देखता हूँ मैं अपने अनुराग भाई को, सोचता हूँ कि बंदा है, मारने लगता हूँ पर यहाँ से एक बंदा आता है, मैं उसको डैमेज देता हूँ, फिर तुरंत ब्लू वॉल लगा लेता हूँ। और तब तक मेरे अनुराग भाई 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 ये मार खाने लगते हैं, और जैसे ये मार खाने लगते हैं मैं तुरंत खिड़की से जाता हूँ और इस बंदे को मार देता हूँ। और पीछे वाला बंदा भाई तुरंत निकल जाता है। मैं सोचता हूँ अनुराग भाई को रिवाइव कर दूँ और जोन बहुत ज़्यादा काटने लगता है, इसलिए मैं जोन से बाहर निकल जाता हूँ और लास्ट बंदा भी भाई अपने आप एलिमिनेट हो जाता है और इसी के साथ हमारी बोया निकल जाती है। लाइक मारो चैनल पर, नहीं तो सब्सक्राइब।